पंडाल की सुंदरता थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरह का बना हुआ है। और हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार फ्रॉम झारखंड। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यंगिस्तान मोदी में फिर एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूं धनबाद शहर के झरिया के पास, जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है माँ मंगला चंडी की क्लब की ओर से। तो यहाँ पर दिखाता हूँ, और बाकी धनबाद शहर में और भी क्या क्या पंडाल बना हुआ, उस सभी चीज़ों का भी मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं, ये झरिया के टैक्सी स्टैंड के पास जो श्री श्री माँ मंगला चंडी क्लब की ओर से पंडाल बनाया गया है, वहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ और आगे लेकर के चलता हूँ आप लोगों को। पंडाल के सामने का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह का, मतलब क्या सीन है। गेट के पास में यहाँ पर प्रसादी वगैरह रखा हुआ है अंदर जाकर पूजा करने के लिए। इधर देखिए टैक्सी स्टैंड, इधर पंडाल के मैं अंदर अभी आप लोगों को लेकर चलता हूँ और दुर्गा माता जी का आप लोगों से दर्शन कराता हूँ। तो चलिए पंडाल की सुंदरता थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरह का बना हुआ है। और तैयारी अभी भी चल रही रहा है, देख सकते हैं काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए पंडाल के अंदर जाते हैं और अंदर आप लोगों को दुर्गा माता जी का मूर्ति का दर्शन कराता हूँ। काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है यहाँ पर। तो अब आपको मैं देवी माँ का दर्शन करवाने वाला हूँ। दुर्गा माता जी का आप लोगों से दर्शन मैं यहाँ पर करा दे रहा हूँ, और कमेंट में आप लोग जय माँ दुर्गा लिखकर के एक बार भेज दीजिए। यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण किया जा रहा है। सभी श्रद्धालु यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, देवी माता का प्रसादी लेकर के यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। और ये दे रहे हैं सबको, यहाँ पर प्रसादी वितरण किया जा रहा है। सभी श्रद्धालु इडली का प्रसादी बना रहे हैं। लाइटिंग का भी अच्छा खासा व्यवस्था किया हुआ है, अभी दिन में लाइट बंद है, शाम को सारा चीज होगा। ये वीडियो था आप लोगों का धनबाद में या टैक्सी स्टैंड वहाँ पर। तो इसका वीडियो आप लोगों ने देख लिया, अच्छी तरीके से दुर्गा माता जी के दर्शन में आपको चला लिया है और किस तरह से डेकोरेशन किया है वो भी आप लोगों ने देख लिया। और अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो इसका जो गूगल मैप है डिस्क्रिप्शन में डाल जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी यहाँ अगर मेला की बात करें तो मेला वगैरह का यहाँ पर वैसा प्लेस नहीं है। यहाँ पर पंडाल के सामने आने के लिए जो रास्ता है उसके लिए मैं थोड़ा सा मतलब बता देना चाहता हूँ कि झरिया के जो मेन रोड है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, थोड़ा सा आप लोगों को उसकी परेशानी झेलना पड़ सकता है।